अस्सलाम वालेकुम, मैं बिलाल और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सोलर वाला भाई। आज की जो वीडियो है वो है फ्रोनस की प्लाटिनियम सीरीज के बारे में, उसकी सेटिंग के बारे में कि हमने उसकी सेटिंग कैसे करनी है, उसमें जो नए फीचर्स आए हैं वो कौन कौन से। आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी ही सब्सक्राइब का बटन दबा दें, क्योंकि इस चैनल पर सोलर के मुतालिक बहुत ही मुफीद मालूमात आपको मिलती रहती हैं और भी टेक्निकल जो मालूमात हैं वो भी आपको मिलती रहती हैं। तो आज की जो वीडियो होगी उसमें मैं वन बाई वन हर इन्वर्टर को तो कवर करना मुश्किल होगा उसकी स्क्रीन के ऊपर, हमारे लिए कोई इशू नहीं है। हमारे पास आपको पीछे नज़र आ रहे होंगे जो प्लाटिनियम सीरीज के जो इन्वर्टर हैं वो लगी हुई हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि आपका जो टाइम है, कीमती वक्त है, वो हम ज़ाया ना करें। तो हम करेंगे क्या कि पी वी 5200 को लेंगे एज अ रेफरेंस, उसकी मैं आपको सेटिंग बताऊँगा। अगर आपके पास पी वी 2200 है तो आपने करना क्या है कि अगर मैं आपको किसी सेटिंग की जगह बताता हूँ कि यहाँ पर आपने 28 रखना है तो पी वी 2200 को आपने ऑटोमेटिकली 14 रखना होगा। और अगर आपके पास पी वी 9200 है, 9200 या 7200 है, तो उस सूरत में आपने उसको डबल कर देना है। दोबारा बता रहा हूँ कि अगर आपके पास पी वी 5200 की तो मैं आपको सेटिंग बताऊँगा, लेकिन अगर आपके पास सिंगल बैटरी वाला सिस्टम है, नई सीरीज की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपने क्या करना है कि अगर मैं आपको 28 बताता हूँ तो आपने उसको 14 पे कर लेना है। और अगर आप में वहाँ पे आपके पास सिस्टम है पी वी 9200 या 7200 तो उसको आप डबल कर लेंगे तो सेटिंग वही होगी, क्योंकि शॉर्ट रेंज तमाम का एक ही होता है। कुछ फीचर जो होते हैं वो डेफिनेटली उनमें चेंज होते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। तो अभी हम आपको वीडियो वाली साइड पर लेके चलते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि जो पुराने इन्वर्टर हैं इनकी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। तो अभी हम आपको स्क्रीन के ऊपर लेके चलते हैं जी। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सेटिंग में जाने के लिए। आपने राइट साइड पे जो इंटर का बटन है उसको प्रेस करके रखना, तो आप सेटिंग में चले जाएंगे। नेक्स्ट का बटन दबाएंगे तो सबसे पहले आपके पास जो आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी है वो आ जाएगी कि आपने किस से अपने लोड को चलाना है, सोलर से चलाना है, यूटिलिटी से चलाना है, मतलब आपदा से, या आपने बैटरी से चलाना है। तो यहाँ पे अभी आपने देखा कि हमारे पास MKS, हमने उसको चलाया था, MKS इतना अच्छा इसमें काम नहीं करता, जबकि पुराने इन्वर्टर में बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करता था। तो सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊँ कि इसमें अगर आप बेस्ट बचत चाहते हैं तो फिर SBU आई थिंक सो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि MKS इसका इतने अच्छे तरीके से काम नहीं करता। मेन कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। USB से मुराद की आपकी सिर्फ वापडा चलेगी, सोलर दोस्तों में चलेगा जब वापडा नहीं होगी। SUB से मुराद ये है कि आपका दोनों सोर्स एट अ टाइम चलेंगे, दोनों प्रोवाइड करेंगे आपके लोड को। और उसके बाद आ जाता है SPG सोलर बैटरी यूटिलिटी, सोलर ख़त्म होने के बाद बैटरी चलेगी और उसके बाद जाके आपकी वापडा चलेगी। इसके लिए आपको 12 और 13 नंबर की सेटिंग भी करनी पड़ती है, वो आगे चल के मैं आपको बता देता हूँ। 2 नंबर पर जो 30 एम्पेयर है अगर यहाँ पे, और अगर आपने 11 नंबर पे 40 कर दिया तो आपका होगा 30 एम्पेयर। ये मैक्सिमम चार्जिंग करंट होता है सोलर और यूटिलिटी दोनों को मिला के, तो इसका इसमें कन्फ्यूजन की शिकार नहीं होना। यहाँ पे आपने 30 अगर रखें नॉर्मल बैटरी के लिए बहुत है। 3 नंबर पे अगर आप अप्लाइंसेज रखते हैं तो फिर उस सूरत में आपका 90 से 280 वोल्ट AC तक ये वापडा से लेगा, और अगर आप UPS रखते हैं तो 170 से 280 वोल्ट तक रहेगा। तो अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमारा इन्वर्टर नहीं चल रहा थोड़े वोल्टेज पे, तो वो अप्लाइंस पे रख दें। 5 नंबर पे आपने यूज़र डिफाइंड कर लेना है इसको, और अगर आपके पास ट्राई बैटरी है तो आपने इसको AGN कर लेना है। FLD अगर आप नॉर्मल बैटरी है 180 नॉर्मल, तो उस सूरत में आप FLD पे रखें, लेकिन ट्यूबलर के लिए आपने इसको यूज़र डिफाइंड पे करना है। उसके बाद ये जो दोनों सेटिंग हैं 6 नंबर और 7 नंबर, एक ओवरलोड के लिए होती है और एक जो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और उसके लिए इसको अगर आप इनेबल कर देते हैं तो आपका जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाता है। तो कोशिश ये किया करें कि इन दोनों को इनेबल कर दें, लेकिन अगर ये बार बार कोई इशू आ रहा है तो फिर अपने जो इन्वर्टर है उसको भी देख लें कि ये ना हो कि टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो जाए, और अपने फिल्टर वगैरह को साफ रखें। 9 नंबर पर आपकी आ जाती है फ्रिक्वेंसी, तो वो 50 Hz रहेगी। और उसके बाद आप मेन जो सेटिंग आती है 10 नंबर आउटपुट वोल्टेज 220, 230, 240, तो इसको आप 230 पे रखें तो आपकी जब लाइसेंस हैं बड़ी ज़बरदस्त तरीके से चलेंगी, बाकी आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम सेटिंग आ जाती है मैक्सिमम यूटिलिटी चार्जिंग करंट की। इसमें आप 2 एम्पेयर से 100 एम्पेयर तक आप वापडा के इलेक्ट्रिक से अपनी बैटरीज को चार्ज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 नंबर पर आपको मैक्सिमम रखना पड़ेगा। इससे अगर यहाँ पर आपने 20 रखा हुआ है तो वहाँ पर आपको 30 रखना पड़ेगा, तो ये आपकी सेटिंग अच्छे तरीके से काम करेगी। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कितने एम्पीयर से अपनी बैटरीज को चार्ज कराना चाहते हैं, एज़ पर बैटरी हमेशा देखा करेंगे कितनी उसको चार्जिंग चाहिए। 12 नंबर की सेटिंग मैंने बताया था कि सोलर बैटरी यूटिलिटी जब सेट करेंगे तो 12 नंबर का ये मतलब है कि कहाँ तक आपकी बैटरी वापस आए
तो वापडा से कनेक्ट हो जाए, मतलब वापडा जो है वो बीच में इंटर हो जाए और आपकी बैटरी वगैरह को चार्ज करने लग पड़े। तो ये होती है 12 नंबर की, बहुत ही अहम सेटिंग है। आप बार बार ट्रिपिंग से बचना चाहते हैं तो उसको 22.5 पे रखें। और उसके बाद आती है 13 नंबर की सेटिंग कि आप कहाँ तक आपकी बैटरी जाए तो दोबारा आपका बैटरी चलना शुरू हो जाए और वापडा कट हो जाए, तो इसको आप 27 से ऊपर ही रखें, क्योंकि फ्लोटिंग जितनी भी चार्जिंग आपका करंट है उससे आप हमेशा इसको ऊपर रखें। 16 नंबर पे CSO रखें, अगर आप दिन के टाइम पे बैटरी नहीं चार्ज कराना चाहते वापडा से, CSO या SNU सोलर यूटिलिटी दोनों रख सकते हैं, लेकिन रिकमेंड यही करूँगा कि आप इसको CSO रखें। इन सेटिंग को करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट ये वापडा के हिसाब से आती हैं, तो यहाँ पे आपने इसको CSO रखेंगे तो आपका दिन के टाइम पे वापडा से चार्ज नहीं होगी। 18 नंबर पे आप बज़र ऑन या बज़र ऑफ कर सकते हैं, ये जो बार बार आपको बीप सुनाई देती है, तो अगर आप इससे जान छुड़ाना चाहते हैं तो बज़र ऑफ कर दें, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको आप ऑन पे ही रखें, क्योंकि अगर कोई इशू आ जाता है तो ये ना हो कि आपको पता ही ना चले। तो उसके बाद आ जाता है कि आप बाई डिफ़ॉल्ट जिस भी स्क्रीन को देखना चाहते हैं तो वो आपके सामने आ जाती है, FAP रख दें। 19-20 की कोई खास इतनी सेटिंग नहीं होती। 22 नंबर जो कि अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि सुबह के टाइम पे और जब मगरिब हो जाती है तो उस टाइम बार बार ये टीं टीं करता है, तो उस सूरत में आप अलार्म ऑन को ऑफ कर दें, तो आपका जो इन्वर्टर है वो फिर आपको नहीं बताएगा कि किस टाइम आपका कोई भी सोर्स है वो इन हुआ है या आउट हुआ है। तो इस चीज़ को आपने ज़रूर जहन में रखना है कि जब भी कोई सोर्स इन या आउट होता है, ऑन या ऑफ होता है, तो ये फिर अलार्म आपका बजने लग पड़ता है। 23 नंबर पे आपका है बाईपास इनेबल या बाईपास डिसेबल। ये ओवरलोड जब आप बैटरी से ऊपर आपका लोड जाता है तो उस सूरत में आपका बाईपास डिसेबल या इनेबल होता है, ना कि आपका इन्वर्टर। तो जब भी ओवरलोड होगा तो ऑटोमेटिकली आपको 07 कैरर देगा। 25 नंबर पे अगर आप फॉल्ट वगैरह को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उसको इनेबल ही रखें, बाद में आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से जो फॉल्ट हैं वो आए हैं। 26 नंबर पे आपकी जो सेटिंग है वो होती है बल्क चार्जिंग करंट की। अगर आपके पास नॉर्मल बैटरी है तो आपने इसको 28.2 या 28.3 पे रखना है। अगर आपके पास ट्यूबलर बैटरी है तो आपने इसको 28.8 पे रखना है। और अगर आपके पास ड्राई बैटरी है तो फिर 5 नंबर पे सिंपली आपने AGN करना है। इन सेटिंग को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे नॉर्मल बैटरी थी तो इसलिए 28.3 है। फ्लोटिंग चार्जिंग करंट 27.8 है, लेकिन अगर आपके पास ट्यूबलर बैटरी है तो उस सूरत में भी आप 27.8 या 27.5 ही रखें। फ्लोटिंग चार्जिंग करंट इतना बहुत होता है, बल्क जो होता है वो ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो उसके बाद 29 नंबर पे होता है कि कहाँ तक आपकी बैटरी आए तो कट हो जाए, तो ये आपकी मर्ज़ी है। नॉर्मल तो हर बंदा 20 भी रखता है ताकि उसको बैकअप ज़्यादा से ज़्यादा मिले, लेकिन आप 21 पे रखेंगे तो 21 पे ही आपकी बैटरी डाउन हो जाएगी। 30 नंबर पे इक्वलाइज़र ऑन या ऑफ की सेटिंग होती है, इससे आपकी बैटरी जो है वो 4 साल से ज़्यादा निकाल जाती है। अगर आपका इक्वलाइज़र ऑन है तो कुछ इन्वर्टर में इक्वलाइज़र होता ही नहीं है तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो इक्वलाइज़र है उसको ऑन करना बहुत ज़रूरी होता है। EDS को EN कर देंगे तो आपका जो इक्वलाइज़र है वो ऑन हो जाएगा। आगे जितनी भी सेटिंग आ रही हैं 31, 33, 34, 35 और 36, इनको आपने इसी तरह रहने देना है। अगर आप उसी टाइम अपनी इन्वर्टर की करना चाहते हैं इक्वलाइजेशन तो यहाँ पे 35 नंबर को AEN कर दें। 37 नंबर जो है वो हाइब्रिड मूड होता है और ऑफ होता है, हाइब्रिड पे करेंगे तो आपका इन्वर्टर जो है वो नेट मीटिंग अगर आपके पास है तो उस सूरत में आप सिर्फ करें, वैसे ना करें, इसको ऑफ ही रखें। नेट मीटिंग अगर आपके पास अवेलेबल है तो अपने इसको हाइब्रिड पे करना है। और उसके बाद जो 38 की सेटिंग है उसको आप 2 एम्पेयर से बढ़ाते जाएंगे, 10 एम्पेयर बाई डिफ़ॉल्ट होगी। जितना भी आप बढ़ाते जाएंगे तो उतना ही करंट आपका वापस, मतलब 10 एम्पेयर से बढ़ाइए कि 2200 वाट तक आपका जो करंट है वो वापडा को जाना शुरू हो जाएगा। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कितने करंट आप वापडा नेट मीटिंग, वो आपके पैनल पर मुनसर है कि आप कितने आपके पास पैनल हैं। 39 नंबर है RGB लाइट की सेटिंग है, लाइट ऑन या लाइट ऑफ, बाई डिफ़ॉल्ट लाइट ऑन पे ही होती है तो आप इसको लाइट ऑन पे ही रखें। मेन सेटिंग आ गई जी 41 की। इसके बाद ये वो सेटिंग है जिसमें आपका ड्यूल आउटपुट वाला लोड ऑन या ऑफ होता है। L2 मतलब लोड टू F से मुराद ऑफ होगा और L2 0 या O इससे मुराद ऑन होगा। तो बाई डिफ़ॉल्ट ये F पे ही आएगा, आपने इसको अगर ऑन करना होगा तो L2 0 या L2 O करेंगे तो आपका ड्यूल आउटपुट वाला जो सिस्टम है वो ऑन हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो मेन सेटिंग आ जाती है इसके रिलेटेड वो है 42 की। उसमें आप अपनी बैटरी की सिलेक्शन कर सकते हैं कि कहाँ तक आपकी बैटरी जाए तो आपका जो L2 है, लोड 2 है ड्यूल आउटपुट वाला, वो ऑफ हो जाए। तो बाई डिफ़ॉल्ट 22 पे आता है, आप इसको 23 पे भी रख सकते हैं। जो ही आपकी बैटरी 23 पे आएगी आपका ड्यूल आउटपुट वाला जो लोड है वो ऑफ हो जाएगा। इसको आप कैसे इनेबल कर सकते हैं, सब कुछ, इसके आगे रिले कैसे लगती है,
वो मैं इंशाल्लाह डिटेल वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूंगा ताकि कोई शॉर्ट सर्किट या इस तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बहुत ही सिंपल सी सेटिंग है ड्यूल आउटपुट की, इन्होंने बहुत ज़्यादा उसमें खिचड़ी नहीं बनाई, बहुत अच्छी सेटिंग है कि सिंपली इन 41 और 42 पे आपको जो सारा कुछ है वो बता दिया है। फिर भी किसी का क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकता है। तो यहाँ पे एक जो प्रॉब्लम आता है आपको इस इन्वर्टर में कि MKS फीचर जो है इतना अच्छा काम नहीं करता, जबकि सोलर बैटरी यूटिलिटी जो है वो अच्छे तरीके से काम करती है। MKS का मतलब ये होता था कि सुबह से लेके जो ही सूरज की किरणें पड़ती हैं और जहाँ जब तक सूरज के लास्ट फोटोवोल्ट होते हैं उस टाइम तक आपका जो सिस्टम होता था पहले MKS पे वो बिजली को आपदा को बीच में आने ही नहीं देता था। लेकिन अब MKS जो है, अब यहाँ पर अगर मैं MKS करूँगा तो अभी SPUP तो वो हो गया था, पिंक हो गया था, लेकिन दोबारा इसने वापडा को लेना शुरू कर दिया है। जबकि पुराने इन्वर्टर की मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं, उसमें डिटेल से मैंने बताया हुआ है कि पुराने इन्वर्टर कैसे MKS मोड पे जाते थे और अब न्यू इन्वर्टर जो हैं वो क्यों नहीं MKS मोड पे जा रहे। बहुत अच्छा फीचर था, दिन दिन में आपका SPU चलता था, जो ही रात होती थी जो ही शाम होती थी तो SPU ख़त्म हो जाता था। लेकिन समझ से बाहर है कि इन्होंने इस चीज़ को क्यों ख़त्म किया। एज़ पर बुक या एज़ पर मैनुअल तो MKS जो है वो इसी तरह ही काम करता है, लेकिन जो पहले वाले इन्वर्टर थे या उसमें इन्होंने काम गड़बड़ किया था या वाले में काम गड़बड़ किया है अब ये तो कोई नहीं कह सकता। लेकिन ओवरऑल जो इन्वर्टर हैं वो बहुत अच्छे हैं, हम काफ़ी टाइम से लगा रहे हैं, इसमें अभी तक कोई फॉल्ट नहीं आया। तो ये थी सेटिंग की वीडियो। जी तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी होगी, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक पे आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।